रेहा के सामने अभय और प्रभा दोनों का सच तो आ गया था, पर अभी भी एक नाम था जो उसके सामने आज भी राज बना हुआ था, सोनू। और जब वो सोनू से मिलने असाइलम गई तो वहां वो उसे दीदी कहकर पुकार रहा था। सोनू, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। दीदी, दीदी आप आ गई, मुझे मिलने आ गई। इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी? अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? मुझे मिलने आई? आप अब तक कहाँ थी? तुम्हारी दीदी का नाम प्रभा है? दीदी प्रभा? दीदी सुनो, तुम यहाँ कैसे आए? कौन लाया तुम्हें? सुनो, प्रभा दीदी। प्रभा दीदी तुमको यहाँ लाई? हाँ सोनू, सोनू की, सोनू की दीदी। हाँ प्रभा दीदी सोनू की दीदी, ठीक है। प्रभा दीदी सोनू मैम, कोई भी लेडीज के पास आती है सबको प्रभा दीदी बोलने लगता है। सोनू का राज तो रेहा के सामने खुल चुका था, वो प्रभा का ही छोटा भाई था। पर उसके मन को ये सवाल फिर से परेशान कर रहा था कि अभय ने इस बात को उससे क्यों छुपा कर रखा? क्या रेहा को उसके सवालों का सही जवाब मिल पाएगा? सोनू से मिलकर आ रही हो? आप आ गए? रेहा, तुमको पता है तुम्हारे हॉस्पिटल में पहुंचते ही हमें नर्स ने फोन कर दिया था। हाँ हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, रिया नाम की एक लड़की आई है। हाँ सोनू से मिलने। ठीक है, मिलने दो उसे। ओके, एक्चुअली रिया, हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हॉस्पिटल में कि हमारी परमिशन के बिना सोनू से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, और ये सब हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि अजय भैया प्रभा से बदला लेने के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर सोनू को मारने की कोशिश की। अब सोनू की हालत बचपन से ऐसी थी, हमने तुमसे कभी सोनू का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि सोनू प्रभा का भाई है, और अगर सोनू का जिक्र होता तो प्रभा का भी जिक्र होता, और हम प्रभा का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस औरत ने आपको धोखा दिया आप उसी के भाई की देखभाल कर रहे हैं। आप प्रभा ने हमें धोखा जरूर दिया, पर इस सब में उस बेचारे मासूम की क्या गलती है? आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? हम आपको बिना बताए चले गए? नहीं रेहा, हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन आगे से अगर सोनू से मिलने जाना हो तो हमें बता कर जाना, ठीक है? अरे यार अब कितने ताने मारोगे? ठीक है भाई, आ जाओ खाने पर, हाँ रात को मिलते हैं फिर डिनर पर। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? रिया, तुम्हें पता है आज खाने पर कौन आ रहा है? हमारा बहुत ही अजीज दोस्त विशाल।
भी खाने पीने का बहुत शौकीन है वो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, खाने में कोई कमी नहीं रहेगी। सच? शिवा। जी साहब। सुन, आज शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है खाने पर, और हम नहीं चाहते कि अजय भैया उसके सामने पीकर कोई तमाशा करे, तो तू उनको 2-3 नीम की गोलियां खिला देना और चुपचाप सुला देना। जी सर। काम कर अपना। सारी तैयारियां हो गई रे? हाँ। विशाल काम हो जा भाई, क्या बात कर रहा है यार, सारी तैयारियां करनी है तेरे लिए, अब तो लास्ट मोमेंट कह रहा है कि नहीं आएगा। हेलो भाई। राम राम। दे दिया ना झटका। विशाल आजा भाई। ठंडे को सोची, भाई बुलाया और भाई नहीं आएगा है? भैया विशाल। नमस्ते बाबरी। भाई आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हैं। थैंक यू। यार तू तो बड़ा सुपर रुस्तम निकला है, इतनी सुंदर भाभी ढूंढ के ले यार, भाई को याद नहीं कर रहा है? भाभी विशाल। अभी आप तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो भाई, कमाल हो गया, मजा आ गया भाई है? खाना ठंडा हो रहा है। कमाल कर रहा है तू भी भाई है? क्या कर रहा है विशाल, खा ही नहीं रहा तू बिल्कुल? भाई खा रहा हूँ, आराम से खाऊंगा भाई है? इतनी जल्दी क्या है? प्रिया सैलेड। थैंक यू भाभी। थैंक्स। कैसा लगा खाना? भाई सच बोलूं भाई, दारू से ज्यादा तो भाभी के हाथ का बना खाना चट गया मेरा तो, भाई मजा आ गया भाई, एकदम लजीज खाना बनाया, मान गए भाई, मेरा दिल कर रहा है कि भाभी के हाथ चूम लूं। तू भी ला विशाल, कभी नहीं सुधरेगा तू। हैं? अरे मैं बिगड़ा कर था। भाई बात सुन, अगले संडे को बाबी को मेरे फार्म हाउस पे ले आइयो, हम बाबी के लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगे। बाबी जी हम बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, अबे तो मुरीद है हमारा, आपको भी बना लेंगे है? तो भाई अगले संडे है, डन। बाबी आप इसकी तरफ क्या देख रही हो, ये आपको लाएगा क्यों भी, अब है लाएगा ना बाबी को, पर नहीं लिया ना, ये तो दोनों को उठा के ले जाऊंगा समझे। भाई उठा के ले जाने की क्या जरूरत है, हम दोनों खुद आ जाएंगे। हाँ यो बात सही कहते ने, तो फिर डन श्योर एब्सोल्युटली। तो भाई इसी बात पर चीयर्स है? बिल्कुल चीयर्स। आज हम एक गेम खेलेंगे, सोनू की स्टोरी। स्टोरी? सोनू एक छोटा सा बच्चा था, अपनी प्रभा दीदी के साथ रहता था। सोनू की दीदी प्रभा दीदी। फिर प्रभा दीदी की शादी हो गई और सोनू यहाँ आ गया। नहीं कैसे? नहीं नो नो नहीं, प्रभा दीदी की शादी नहीं, वो बहुत गंदे लोग सोनू को किडनैप किया, सोनू को बहुत मारा। आज हम सोनू से मिलने गए थे, बहुत अजीब बातें कर रहा था, किडनैपिंग, गंदे लोग, ऐसे जैसे उसका उसका कभी किडनैप हुआ था। हाँ रे, सोनू को एक बार किडनैप किया गया था। दरअसल हमारी और प्रभा की शादी के बाद हम सोनू को इसी हवेली में ले आए थे, क्योंकि सोनू का प्रभा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक
पता नहीं कैसे खेलते खेलते वो इस हवेली से बाहर चला गया और कुछ गलत लोगों ने उसका किडनैप कर लिया। हमसे बहुत बड़ी फिरौती की मांग भी की गई, हमने पैसे दिए, सोनू को छुड़ाया, लेकिन उस हादसे के बाद प्रभा को लगने लगा कि सोनू का इस हवेली में रहना ठीक नहीं है। इसीलिए हमने उसे बहुत अच्छी देखरेख में एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लाश की हालत बहुत खराब है और उसके गले से लॉकेट मिला है और ये पॉलिथीन के टुकड़े जो लाश के वहां से मिले थे। इंस्पेक्टर ये गहने प्रभा के ही है, लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर ये कैसे पॉसिबल है? कई महीनों पहले जो हमें लाश मिली थी इसका मतलब वो प्रभा की नहीं थी, वो किसी और की थी। ऐसा हो सकता है क्योंकि उस वक्त भी हमें जो लाश मिली थी उसे भी पहचान पाना काफी मुश्किल था। लाश की जो हालत थी उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कई महीनों से जमीन में गाड़ कर रखी गई हो और फिर आज ही कल में उसे वहां से निकाल कर किसी ने जंगल में फेंक दिया हो। अभी जी, कल रात अजय भैया लॉन में कुछ खोद के निकाल रहे थे, कहीं वो प्रभा जी की लाश तो नहीं थी? हॉलदार, वो पॉलिथीन निकालना, वो ब्लैक वाला। सेम इसी तरह की पॉलिथीन बैग में हमें कल वो लाश लिपटी मिली थी। अब हमें यकीन नहीं हो रहा कि अजय भैया ने प्रभा दीदी की लाश को इतने दिन यहां गाड़ के रखा था। कहां है आपके भैया? आइए मेरे साथ, आइए, यही वाला कमरा। अगर आप
भाई कहाँ है? बड़े ठाकुर तो कल रात से यहाँ पे नहीं है। कल रात को भी जब हम उन्हें खाना देने आए थे तब भी वो यहाँ पे नहीं थे। सर लगता है आपके आने की खबर पहले ही किसी ने भाई को दे दी थी। हाँ विशाल बोलो। हाँ भाई याद है ना संडे भाभी को लेके आ रहे ना रात को। विशाल आज हम लोग नहीं आ पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। यार मूड मत खराब करे यार, तू रात को आ रहा बस, मैं कुछ नहीं जानता। विशाल समझने की कोशिश कर, प्रभा की लाश मिली है पुलिस को और अब पुलिस अजय भैया की तलाश में है, तो ऐसे माहौल में वहां आना ठीक नहीं रहेगा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो खुशी की बात है भाई, है तेरे को सारी मुसीबत से छुटकारा मिल गया। विशाल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? भाई देख तू आ रहा रात को, मैं कुछ नहीं जानता, दैट्स फाइनल। क्या बात है, क्या बात है भाई, आ गया मेरा है? बात है। अरे मारे को तो पता था, आरा भाई जरूर आएगा। राम राम बाबू जी। आप टेंशन मत लो, आज मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा। अभी भाई ने बताया मारे को आप बैड सा फील करते हो, इसलिए आज हम आपसे हाथ मिलाएंगे। अभी जी वैसे तो हम हरियाणा से हैं, पर जब से यूपी में फैक्ट्री लगाई है ना भाई के साथ में, तब से हम जो भी फैसले ना साथ में करते हैं, घर के जमीन के जायदाद के जो भी है, वी आर लाइक ए क्लोज फ्रेंड। भाई से बढ़कर है मैं एक दूसरे के लिए। क्यों भाई गर्मी आ गई? हाँ आपका फार्म हाउस बहुत सुंदर है भाभी जी, आपसे ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है। थैंक यू। क्यों भाई भाभी जी आप भी कुछ ले लो, ये ले लो। भाई दारू तो खत्म होगी भाभी जी, एक काम कर दोगे आप, वो घर में ना ऐसी बोतल रखे ला दोगे? प्लीज प्लीज रे यार, ले आओ जाके, हमारी हालत तो तुम देख ही रहे हो। जी थैंक यू भाभी जी। और बता भाई कैसा चल रहा है बिजनेस? अरे भाई साहब हम लेके आ रहे थे। अरे इतनी खूबसूरत लड़की होते हुए मारे को नशे के लिए शराब की क्या जरूरत? क्या करें यार? कोई आ रहा है? क्या करें? छोड़िए हमें, छोड़िए अभी, अभी। विशाल, अभी, अभी। ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, चलिए आप यहाँ से। डरिए मत, हम इसे अब सबक सिखाएंगे। आइए हमारे साथ। नहीं चलिए आप। हाँ है ना? हाँ हाँ है ना? क्या विशाल सब्र नहीं होता ना तुझसे? अरे बोतल तो खत्म होने देता है। <दुण। laughs>
की जिंदगी का ये पहलू जान के हैरान थी। उसे भरोसा भी नहीं हो पा रहा था कि जिस इंसान के साथ उसने जीने मरने की कसम खाई, जिसके साथ उसने शादी की, वो अभय अपने ही दोस्त को उसके साथ ऐसी बदसलूकी करने का बढ़ावा दे रहा था। तो सावधान।